मिसाइल टैंक और धमाकों के बीच से आयुष गौतम और ऋत्विक बजाज अपनों के बीच आए। यूक्रेन में युद्ध शुरू होने से लेकर टोंक पहुंचने तक के समय को याद किया जाए तो दोनों छात्रों का पुनर्जन्म से कम नहीं है। मौत के मंजर को दोनों याद भी नहीं करना चाहते। किन हालातों से गुजरकर अपने घर पहुंचे ऋत्विक बजाज और आयुष गौतम सुनिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा सा लग रहा है। कंट्री जहाँ बाहर हो रहा था एकदम से पीसफुल कंट्री में पहुँचे हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है। टेंशन कम हुई है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा टेंशन, नींद नहीं आई 7 दिन से, खाना नहीं खाया, तो अब तो बेटर फील हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने बहुत हेल्प की है रुकने में, तो उनके वजह से हम यहाँ पर हैं आज। सबसे ज़्यादा देखने को मिली यहाँ? हाँ, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने बहुत ज़्यादा हेल्प की दिल्ली में, हमें रुकने का बंदोबस्त किया, खाने का बंदोबस्त किया, फिर हमें छोड़ा यहाँ पर। तो उनकी ज़्यादा वहाँ ले, वहाँ जो हालात देखे उसको क्या कहें? वहाँ की हालत तो बहुत ज़्यादा गंभीर है, उसका कुछ कह नहीं सकते। आप भी देख रहे हो ये चीज़ें। पढ़ाई पर किसी के खतरा है? पढ़ाई पर खतरा तो है, ट्रांसफ़र लेना पड़ सकता है। यूनिवर्सिटी भी को डैमेज हुई है और आगे पता नहीं क्या हो सकता है, कितने दिन वार्ड चले कुछ पता नहीं उसका। कितने टाइम की पढ़ाई बाकी थी? मेरा 2 साल और है। और मम्मी पापा से जब बात करते थे तो क्या करते थे वहाँ पर? बस मम्मी पापा को तो ये समझा था पैनिक नहीं होना है, पैनिक होंगे तो मेरी हिम्मत टूटेगी, बस यही रहता था। तो कहाँ जाके अपने आप को सेफ महसूस किया? नीचे अंडरग्राउंड जहाँ मेट्रो स्टेशन होते हैं उधर, और जहाँ कॉलेजेस के नीचे जो अंडरग्राउंड एरिया होते हैं उधर, उस जगह भी हमें सेफ महसूस होता है। क्या आँखों से बम्बार्डमेंट होता हुआ देखा आपने आसपास? नहीं, 1-2 किलोमीटर के एरिया में वाइब्रेशन ज़रूर हुआ था, वो हमारे विनिस्सा एरिया में एक बार ही हुआ था, बाकी 2-3 जो बॉम्ब थे वो डिफ्यूज़ कर दिए गए थे। एयर रेड सायरन सुनाई देते? हाँ, सायरन रेगुलर 24 घंटे सायरन बजता था। बार बार बात आई थी कि वहाँ के सैनिक रूड होते जा रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, 5वें 6वें दिन तो लाइक सिविलियंस को मारने लग गए थे, क्योंकि वो 18,000 राइफल्स उन्होंने सप्लाई कर दी थी सिविलियंस को, तो वो लूट, मतलब उन्होंने लूट वगैरह करनी चालू कर दी थी अपने लोकल लोगों के साथ ही, तो खतरा बढ़ते जा रहा था। अगर ज़्यादा दिन और रुकते तो हम पता नहीं जिंदा रहते भी नहीं रहते, कुछ पता नहीं। क्या आँखों में डर अभी भी है? हाँ, डर कह सकते हैं, अभी भी बच्चे फंसे हुए काफ़ी उधर। हाँ, कारगिल में कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको निकालने की कोशिश चल रही है अभी भी। केंद्र सरकार की मदद मिली थी वहाँ? हम सरकार ने तो मदद की है, जब ही तो निकले हम, उनकी काफ़ी मदद रही है। क्या आपका आने का ट्रांसपोर्टेशन का कोई खर्चा वगैरह हुआ? कहाँ? नहीं नहीं, खर्चा वगैरह कुछ नहीं हुआ, फ्लाइट सारी फ्री थी और जो भी ट्रांसपोर्ट था यहाँ तक वो सब फ्री था, घर तक पूरा ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, मिला। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प करी हमें यहाँ तक पहुँचाने में, और उन्होंने यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने हमें यहाँ तक घर पर पहुँचाया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी तो हमें नहीं ऐसा। पापा बार बार कहते थे, यहाँ से कहते थे हिम्मत रखो, सबके साथ रहो। हाँ, वहाँ पे रहते हैं थोड़ा लगता ही है डर, अब अभी सब सही है उससे अभी थोड़ा। जब बॉर्डर पे आए तो वहाँ किस तरह के हालात मिले? बॉर्डर पे भगदड़ थी, वहाँ के लोग भी बॉर्डर पे, यूक्रेन वाले भी पहुँच गए थे, हम भी पहुँच गए थे, तो भीड़ लगी हुई थी, फिर वहाँ के लोग उन्हीं को प्रायोरिटी दे रहे थे, तो इस वजह से थोड़ा डर का माहौल था, बट अभी सब सही है। वापस जाओगे? हाँ, अगर सब सही होगा तो जाएंगे, पढ़ाई करनी है पूरी। कैसा लगा यहाँ पर अपनों के बीच आकर? अच्छा महसूस हो रहा। अपने बच्चों को सामने देखकर परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब से पता चला कि बच्चे यूक्रेन में युद्ध के कारण फंस गए हैं, तब से परिजनों का खाना पीना ही छूट गया। लेकिन अब बच्चों को सामने देखकर ऋत्विक और आयुष के परिजनों ने केंद्र और राज्य सरकार का आभार जताया। अब तो जान में जान आ गई, क्योंकि अब तो जिस तरह से सब पाल पोस के बड़ा करा बच्चा, और इतनी दूर जाके फंस गया भाई, अच्छे के लिए भेजा था हमने, तो हमने थोड़ा सोचा नहीं था ऐसी सिचुएशन वहाँ हो जाएगी। अब बच्चा आपको के सामने आ गया, तो पहले अब इसकी जो भी इस हालत है उसको सुधारनी है, बाकी पढ़ाई के बारे में बाद में सोचेंगे। हमारे मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे पीएम का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमारे देश के सारे बच्चों को निकाला, और ऐसी गवर्नमेंट जो कि सबके लिए तत्पर पर्याप्त रहती है, तो केंद्र सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि हमारे बच्चे सुकुशल घर में आ गए। राजस्थान गवर्नमेंट ने भी हमारे बच्चों को सर्किट हाउस में ठहराया, वहाँ से यहाँ तक फ्री घर तक छोड़ा, ये उनकी जिम्मेदारी उन्होंने ली उठाई, उसके लिए उनको भी थैंक्स। शक्ल देख के लग रही है? नहीं, ये बिल्कुल बिल्कुल कमज़ोर हो गया, बिल्कुल देखने में लग रहा है इसे, बिल्कुल बिल्कुल डल सा हो गया, बिल्कुल इसने 7-8 दिन से खाना भी नहीं खाया, इसकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, क्योंकि ये उस पैनिक सिचुएशन से निकल के आया है। ये वहीं था, कीव से 200 किलोमीटर दूर विनिस्सा में था ये, जहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा था, उस सिचुएशन से निकल के आया है, तो अब इसको संभलने में बहुत टाइम लगेगा। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे मेरे बच्चे का दूसरा जन्म हुआ है ऐसा लग रहा है, जब या तो खुशी मेरे को जब ये पैदा हुआ था जब हुई थी, उतनी ही खुशी आज हो रही है मेरे को, और मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे बच्चे को वापस ला कर मेरे गोदी में डाला है, और यही चाहती हूँ मैं भाई जितने भी बच्चे बचे हुए हैं उनको सबको ला के उनकी माँ की गोदी में दे। कैसा लग रहा था बच्चा जब घर नहीं था, खबरें देख रही थी?
बहुत खराब लग रहा था ना, तो खाने पीने में किसी में मन नहीं लगता था, बस बच्चे बच्चे में मन लग रहा था मेरा। और बस दिन भर न्यूज़ वगैरह ये देखती रहती थी ना, तो कोई नींद आती थी, बस उसी उसी के बारे में सोचती रहती थी। बच्चे की सेहत कैसी लग रही है अब? अच्छी लग रही, पहले तो डरा से हम आता हुआ था, अभी यहाँ अपने घर आ गए जो अच्छा लग रहा है। अब खिला पिला के वापस सेहत अच्छी करेंगे? हाँ करेंगे। नाम बता दें? मेरा नाम पुरुषोत्तम गौतम है। कितनी खुशी का माहौल है, पूरा मोहल्ला इकट्ठा है, किस तरीके की खुशी है? मेरे को बहुत अच्छी खुशी है कि बच्चा ऐसे संकटग्रस्त कार्य से निकलकर अपने वतन में पहुंचा है, और यहाँ अब थोड़ा खाने पीने में और अपना अपनी मातृभूमि में थोड़ा रहेगा तो थोड़ा इसको इसका पोषण होगा और अच्छी इसकी परवरिश करेगी। बच्चा यहाँ तक पहुँचा है? बच्चा डरा सहमा था? नहीं, बच्चा फ्री था, टेंशन लेस था, बच्चे किसी कोई टेंशन नहीं थी। मैंने बार बार इससे, आप लोगों को टेंशन थी? टेंशन हमारे कोई थी, बच्चे को इतनी नहीं थी। उसको तो मैं फिर भी हिम्मत दिलाता था कि भैया ऐसे संकट के गांव में भी थोड़ा हिम्मत से काम लेना। क्या सरकारों का धन्यवाद करना चाहेंगे कि बच्चा सकुशल यहाँ तक पहुँचा, पैसे भी नहीं लिए गए कुछ? सरकार माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र जी मोदी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मतलब ऐसी संकट की घड़ी में हमारे बच्चे को हमारे घर तक पहुंचाया है। मैं माननीय श्रीमान गहलोत साहब का भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, क्योंकि उन्होंने हमारे बच्चे से वहाँ यूक्रेन में खुद मतलब बात की और बच्चे की मतलब हिम्मत बढ़ाई। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी मोदी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं माननीय श्रीमान कलेक्टर साहब और माननीय श्री SDM साहब जिला प्रशासन और माननीय श्री कमलेश जी मीणा जो सहायक प्रशासनिक अधिकारी है, उन्होंने भी मेरे को समय समय पर इससे संबंधित जो लिंक था उसकी प्रेरणा दी, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों के बाद यूक्रेन में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स को बाहर निकाल लिया गया। टोंक जिले के 7 स्टूडेंट्स को लेकर जिला प्रशासन से लेकर केंद्र सरकार के प्रयास रंग लाए। टोंक पहुंचे दोनों छात्रों के स्वागत के लिए स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे। तहसीलदार और BDO ने दोनों छात्रों का स्वागत किया। जिस पेन से, जिस ये समय से गुजर के आए, उसके तो कोई क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, पर हाँ ये है कि अब जब ये यहाँ आ गए तो प्रशासन और सरकार की तरफ से जो हर संभव मदद होगी वो हम इनके लिए करने के लिए तत्पर हैं। क्या प्रोटोकॉल के तहत क्या कुछ इनका कुछ चेकअप किया जाएगा, कुछ तरीके का है ना? अभी इस बारे में हम इनसे पेरेंट्स से बात करेंगे और जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्कआउट करेंगे। काउंसलिंग दी जाएगी इनको? थोड़े घबराए हुए हैं बच्चे? बिल्कुल ज़रूर से, जो जो इन बच्चों के अंदर अभी जरूरत है जिन जिन चीज़ों की, उन सब चीज़ों पर जोर दिया जाएगा। जिला प्रमुख सरोज बंसल भी छात्रों के स्वागत के लिए पहुंचे। सरोज बंसल ने दोनों छात्रों को मिठाई खिलाकर स्वागत किया और मोदी सरकार और गहलोत सरकार को धन्यवाद दिया। बच्चे आज दोनों हमारे टोंक के बच्चे वापस आए हैं। सबसे ज़्यादा खुशी है कि ये यूक्रेन से वापस, जहां हर पल सांस में सांस अटक रही है, वहां से लौट के आए। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का और राजस्थान सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज हमारे बच्चे सेफ वापस लौट के आए हैं, और ऐसी स्थिति में जहाँ हर पल धमाके हो रहे हैं उसको करके आज वापस आए। इसके लिए मैं बच्चों को आयुष और ऋतिक का पहले तो यहाँ सम्मान करती हूँ इनका, और माननीय नरेंद्र मोदी को धन्यवाद। दो स्टूडेंट की वतन वापसी के बाद अब जल्द ही जिले के 5 स्टूडेंट्स घर पहुँचेंगे। MBBS की पढ़ाई करने गए टोंक जिले के 9 स्टूडेंट्स यूक्रेन गए थे। 2 स्टूडेंट्स युद्ध शुरू होने से पहले ही निवाई पहुंच गए। 2 स्टूडेंट्स देर रात टोंक पहुंचे। अब टोंक का फराज निवाई के शशांक और वेद प्रकाश के अलावा डोटा राय सिंह का अजय शर्मा और देवली का योगेश गुर्जर भी जल्द अपनों के बीच होगा। टाइम इट राजस्थान के लिए टोंक से PK जोशी की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम इट राजस्थान। टाइम इट राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने टाइम इट राजस्थान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।